हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोरसाइट एजुकेशन एकेडमी। दिस इज़ दीपशिखा। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर वन, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड विच मोबाइल ऐप फॉर डोर स्टॉप डिलीवरी ऑफ डीजल। सरकार ने डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस आर सफ़र ऐप, पी डिलीवरी, डी डिलीवरी या फिर हम सफ़र। तो क्वेश्चन नंबर वन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, हम सफ़र। क्वेश्चन नंबर टू, हु हैज़ रिसीव्ड डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड 2020 एट द सिक्स्थ इंडिया आइडियाज़ कॉन्क्लेव। छठवें भारत विचार कॉन्क्लेव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन आर स्मृति ईरानी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर सर्बानंद सोनोवाल। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सर्बानंद सोनोवाल। क्वेश्चन नंबर थ्री, वीरेंद्र सिरोही हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी। हाल ही में निधन हो चुके वीरेंद्र सिरोही किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? ऑप्शन आर AIA, DMK, CPM, JDU या फिर BJP। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट आंसर है ऑप्शन डी, BJP। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हेन वाज वर्ल्ड कंज्यूमर अफेयर्स डे ऑब्जर्व्ड? विश्व उपभोक्ता मामले दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन आर मार्च 16, मार्च 15, मार्च 17 या फिर मार्च 18। तो क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मार्च 15। क्वेश्चन नंबर फाइव, द सेंटर विल सून रिस्टोर द स्टेटहुड ऑफ विच यूनियन टेरिटरी। केंद्र जल्द ही किस केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति बहाल करेगा? ऑप्शन आर JNK, लद्दाख, पौंडीचेरी या फिर दमन एंड दीव। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर है ऑप्शन ए, JNK। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अकॉर्डिंग टू जल शक्ति मिनिस्टर, ग्राउंड वाटर इन इंडिया इज कंटेमिनेटेड विद विच केमिकल एलिमेंट। जल शक्ति मंत्री के अनुसार भारत में भूजल किस रासायनिक तत्व से दूषित है? ऑप्शन आर पोटेशियम, यूरेनियम, लेड या फिर बोरोन। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच टीम वॉन रणजी ट्रॉफी 2020? कौन सी टीम ने रणजी ट्रॉफी 2020 जीती? ऑप्शंस आर मुंबई, बंगाल, पंजाब या फिर सौराष्ट्र। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सौराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर एट, बलबीर सिंह कुल्लर हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। बलबीर सिंह कुल्लर जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शंस आर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर फेंसिंग। तो क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर है ऑप्शन सी, हॉकी। क्वेश्चन नंबर नाइन, द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड एयरलाइंस इन इंडिया टू प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इन फ्लाइट सर्विसेज। सरकार ने भारत में एयरलाइनों को निम्नलिखित में से कौन सी उड़ान सेवा प्रदान करने की अनुमति दी है? ऑप्शन आर लाउंज, वाईफाई, वीडियो कॉलिंग या फिर स्मोकिंग रूम। तो क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाईफाई। क्वेश्चन नंबर टेन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्रोहिबिटेड ऑनलाइन सप्लाई ऑफ फूड फ्रॉम FBOs नॉट पजेसिंग हाइजीन रेटिंग। किस राज्य सरकार ने FBO से भोजन की ऑनलाइन आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है जिसमें स्वच्छता रेटिंग नहीं है? ऑप्शन आर हिमाचल प्रदेश, असम, पंजाब या फिर केरला। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 11, एन इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। किस शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन आर सूरत, ऋषिकेश, न्यू दिल्ली या फिर चेन्नई। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऋषिकेश। क्वेश्चन नंबर 12, द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अनवील्ड डैश मैस्कॉट फॉर बेटर मार्केटिंग ऑफ द हॉट स्पाइस प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट।
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में उत्पादित गर्म मसालों के बेहतर विपणन के लिए डैश शुभंकर का अनावरण किया है। ऑप्शन सा लाल मिर्च, चिली चाट, चिली चर्चा या फिर चिली चाचा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन डी चिली चाचा। क्वेश्चन नंबर 13, अ वीक लॉन्ग इकम फेस्ट बिगेन इन विच सिटी टू प्रमोट क्राफ्टमैनशिप एंड प्रोडक्ट्स ऑफ दिव्यांग आर्टिसंस एंड एंटरप्रेन्योर्स। दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों के शिल्प कौशल और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में एक सप्ताह का इकम उत्सव शुरू हुआ। ऑप्शन सा सूरत, चेन्नई, न्यू दिल्ली या फिर बेंगलुरु। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 14 को हम यहाँ पर स्किप करेंगे क्योंकि बाइनल इलेक्शन जो राज्यसभा के होने थे उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है। तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, इंडिया हैज़ साइंड डिफेंस डील्स वर्थ $3 बिलियन विद विच नेशन। भारत ने किस राष्ट्र के साथ $3 बिलियन के रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन सा रशिया, जर्मनी, US या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन सी US। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन डिड इंडिया ऑब्जर्व द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ नेशनल वॉर मेमोरियल। भारत ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की पहली वर्षगांठ कब मनाई। ऑप्शन सा February 23rd, February 25th, February 24th या फिर February 22nd। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन बी February 25th। क्वेश्चन नंबर 17 को भी हम यहाँ पर स्किप करेंगे अभी क्योंकि इसरो ने जो शेड्यूल फिक्स किया था जियो इमेजिन सैटेलाइट GISAT-1 के लॉन्च के लिए वो फिक्स हुआ था 5th मार्च 2020 के लिए, बट ड्यू टू COVID-19 इसे भी आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, विच नेशन पार्टिसिपेटेड इन इंद्रधनुष एक्सरसाइज 2020 अलोंग विद इंडिया। भारत के साथ इंद्रधनुष एक्सरसाइज 2020 में किस राष्ट्र ने भाग लिया। ऑप्शंस आर US, फ्रांस, UK या फिर सिंगापुर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन सी UK। ये जो इंद्रधनुष एक्सरसाइज 2020 हुई थी इसमें भारत की इंडियन एयर फोर्स ने पार्टिसिपेट किया था और UK की रॉयल एयर फोर्स ने पार्टिसिपेट किया था। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग हैज सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020। निम्नलिखित में से किसने हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन सा जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी या फिर बर्नार्ड रेनॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन ए जेफ बेजोस। क्वेश्चन नंबर 20, विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैज़ बिकम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आंध्र प्रदेश एंटी करप्शन हेल्पलाइन। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को आंध्र प्रदेश भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑप्शन सा श्रीकांत किंदाम्पी, PV सिंधु, साइना नेहवाल या फिर ज्वाला गुप्ता। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन बी PV सिंधु। क्वेश्चन नंबर 21, विच सिटी विल होस्ट इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट राइज 2020। भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट राइज 2020 की मेज़बानी किस शहर में की जाएगी। ऑप्शंस आर हैदराबाद, मुंबई, पुणे या फिर न्यू दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। पहले इस समिट की जो डेट फिक्स की गई थी वो अप्रैल में की गई थी, बट ड्यू टू COVID-19 इसे पोस्टपोन कर दिया गया है अक्टूबर 2020 के लिए। अगर हालात सही रहे तो ये समिट यानी कि राइज जो समिट है वो अक्टूबर 2020 में होगा। राइज की यहाँ पर हम एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं। राइज की फुल फॉर्म है आपकी रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन कलेक्टेड बाय दी
Government of India as direct taxes till January 31st of the current fiscal ending on 31st March 2020. 31 March 2020 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के 31 जनवरी तक प्रत्यक्ष करों के रूप में भारत सरकार ने कितनी राशि एकत्र की है? ऑप्शंस आर 4.5 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन, 12 ट्रिलियन या फिर 7.2 ट्रिलियन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 7.2 ट्रिलियन। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ रुपीज़ 2857 करोड़ हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म प्रोग्राम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर। किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 2857 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शंस आर पंजाब, तमिलनाडु, केरला या फिर कर्नाटका। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 24, इंडियाज बिगेस्ट मल्टी लेवल पार्किंग विल कम अप इन विच सिटी। भारत की सबसे बड़ी बहुस्तरीय पार्किंग किस शहर में आएगी? ऑप्शंस आर न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, नोएडा या फिर पुणे। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, नोएडा। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन वाज G7 फाउंडेड? G7 की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस आर 1978, 1979, 1975 या फिर 1976। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन थर्ड, 1975। तो यहाँ पर हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं इस वीडियो के। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।